नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। यूपी उत्तराखंड समेत हर खबर आपके बीच हम रखेंगे। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बिल्कुल गुंजन, बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं गंगा सवेरा और चलिए आगे बढ़ते हैं गुंजन। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम की भविष्यवाणी के साथ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। जी हां, यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। नोएडा, दिल्ली एनसीआर, यूपी के कई शहरों में देर रात से जमकर बारिश हुई। दरअसल मौसम विभाग ने दो दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कोहरे की भी आशंका जाहिर की है। कुछ इलाकों में ओले पड़ने का भी अलर्ट जारी किया गया है। जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी वो देखिए एकदम सटीक बैठी है। अलग अलग हिस्सों में दिल्ली एनसीआर की लगातार बारिश हो रही है रात से ही। कई जगहों पर खबर ये भी ओले पड़ने के और घने कोहरे का अनुमान भी जाहिर किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश, कहीं पर हल्की बारिश तेज गर्जना के साथ हो रही है। मौसम विभाग का जो अलर्ट था, जो भविष्यवाणी थी, वो सटीक बैठी है गुंजन। बिल्कुल दीपा, अगर देखें तो मौसम का मिजाज अगर बदला है तो ठंड भी जाहिर सी बात है बढ़ गई है। एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में तेज बारिश हुई है, कई जगहों पर जमकर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग लगातार इसको लेकर पहले से ही अलर्ट कर रहा था और अब मौसम ने करवट ली है, बदलाव आया है। जहां बारिश की वजह से लोगों को परेशानी भी होगी, इसके साथ साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। कई जगहों पर देर रात जमकर बारिश हुई है, लगातार बारिश नोएडा, दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर के तमाम जो इलाके हैं वहां पर हुई है। कई जगहों पर ओले पड़ने और घने कोहरे का भी अनुमान अब जताया जा रहा है। और अगले दो दिनों तक भी लगातार बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है गुंजन। अब दो दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के। और साथ ही जैसे कि मौसम विभाग ने पहले भी ये कहा था कि 10 जनवरी तक लगातार अलग अलग हिस्सों में कहीं पर तेज तो कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। और वही भविष्यवाणी सटीक बैठती हुई कल रात से ही हम देख पा रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, मौसम का हाल जानते हैं। शैलेश, कल रात से देखिए लगातार बारिश हो रही है और ठंड भी अचानक से बढ़ गई है, कैसी तस्वीर वहां की आप अभी देख पा रहे हैं, कैसा है मौसम वहां का? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की भी बात करें तो इस समय लगातार रात से रिमझिम बरसात चल रही है और इसकी वजह से जो पारा है वो गिर चुका है, ठंड बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते की तो देखिए कल और परसों दो दिन बीच में हल्की राहत ज़रूर मिली, बल्कि कहे कल के दिन जो था धूप निकली, थोड़ी राहत मिली उससे पहले। लेकिन अगर उन दो दिन के पीछे हम जाते हैं तो लगातार दो दिन उधर भी मौसम कुछ इसी तरह से रहा था और मौसम विभाग का अनुमान था कि बीच में एक दो दिन की राहत के बाद फिर वैसा ही मौसम आएगा। तो हम देख रहे हैं कि आज रात से जिस तरह से रिमझिम बरसात का मौसम लगातार बना हुआ है, लगातार बरसात हो रही है, तो उसकी वजह से लोगों के लिए देखिए दिक्कतें ज़रूर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है, सर्दी जो है इसकी वजह से बढ़ रही है और ठिठुरन जो है उसमें भी अभी और बढ़ोतरी होगी जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। और बरसात की वजह से देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि इस समय बरसात हो रही है तो उसकी वजह से कोहरा जो है वो छटा हुआ है, लेकिन जब बरसात रुकेगी, धूप आएगी तो उसके बाद कोहरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसा अमूमन देखा जाता है। तो फिलहाल लोगों को अगले दो दिन इन स्थितियों का सामना करना होगा, इस बड़ी सर्दी का भी सामना करना होगा। मौसम जो है अगले दो दिन तक कुछ इसी तरह से बना रहेगा, इसी तरह से रिमझिम बरसात होगी, पारा जो है वो गिरेगा और ठंड जो है वो बढ़ी रहेगी। बिल्कुल शैलेश, वो नजर भी आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से देर रात तेज बारिश हुई है उसके बाद आने वाले दिनों में भी ठंड भी बढ़ेगी, कोहरा भी हो सकता है क्योंकि बारिश बने अगर बंद होगी तो कोहरा भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मौसम तो दूसरी तरफ महामारी से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं आम लोगों की। यूपी समेत देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिन की बात करें तो यूपी में 4,228 नए मामले सामने आए हैं। करीब 7 महीने बाद इतने केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं जो कि चिंता का विषय है। बिल्कुल, और जिसके बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 12,327 पहुंच गई है। फैलते संक्रमण के बीच टेस्टिंग की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। यूपी में सबसे ज्यादा अगर देखें तो नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं।
लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जहां सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ी है, ऐसे में आम जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ रहा है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन और तेज होती जा रही है। हर रोज नए केस में जबरदस्त उछाल भी आ रहा है। ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे चिंता भी बढ़ रही है आम लोगों की। देश में रोजाना केस की जो गिनती है 1 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि असली सुनामी तो फरवरी में आएगी, जिसको लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है। कोरोना के संक्रमण की सुनामी से सावधान, ना नेता मान रहे हैं ना कोरोना। कोरोना की पीक वाली चेतावनी, जिस खतरे का इंतजार था वो आ गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। और अब डर इस बात का है कि ये रफ्तार कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष और कम्युनिटी मेडिसिन ने चेतावनी जारी की है। ये रफ्तार हर दिन बढ़ेगी और फरवरी के पहले हफ्ते पर पीक पर पहुंच जाएगी। एक्सपर्ट की माने तो इस लहर को रोका नहीं जा सकता, इसका आना तय है। ऐसे में सवाल पड़ा है कि उन राज्यों में क्या होगा जहां चुनाव है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अगर बात करें तो इन 5 राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के अलावा इन 5 राज्यों के DGP, चीफ सेक्रेटरी समेत आला अधिकारियों के साथ भी चुनाव आयोग ने बैठक कर ली है। वही अगर बात करें तो बीते कल की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पे कोरोना संक्रमण की रफ्तार किस तरीके से है और वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके से है और कैसे सुरक्षित तरीके से मतदान कराया जा सके, इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी ली। इसके अलावा अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक करके सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सारी चिंतन मंथन किए गए और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति को लेकर भी बातचीत हुई। सबसे ज्यादा चिंता देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां पिछले 24 घंटों में 4,228 नए केस आए हैं। मतलब 1 जनवरी को जहां 572 मामले सामने आए थे, वो अब 4,000 के पार पहुंच गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न कोरोना मान रहा है न नेता, क्योंकि रैलियों को लेकर क्या करना है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ नेताओं ने रैलियों को लेकर मना जरूर किया है, अभी भी कुछ नेता है जो न सिर्फ लगातार रैली कर रहे हैं बल्कि हजारों की संख्या में भीड़ जुटा रहे हैं। ABP गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसका असर यूपी चुनाव पर भी साफ दिखने लगा है। कई राजनीतिक दलों ने वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज वर्चुअल रैली है। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह वाराणसी में वर्चुअली जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं प्रियंका भी वर्चुअली अभियान में जुड़ेंगी। बिल्कुल, और दोपहर 2 बजे दिल्ली से प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत आम लोगों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगी। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो चुनावी तैयारी है वर्चुअल माध्यम से, वो हम आपको बता रहे हैं। संजय सिंह वाराणसी में कार्यक्रम उनका वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे वहां के लोगों को, और दोपहर 2 बजे दिल्ली से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे वर्चुअल माध्यम से। आज यूपी में वैश्य समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर बड़ा सम्मेलन करने वाली है। आज कानपुर में भाजपा का व्यापारी सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में CM योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी शामिल होंगे। दावा है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 30,000 व्यापारी शामिल होंगे। और ये भी आपको हम बताएं कि व्यापारी सम्मेलन कानपुर महानगर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर होगा। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए प्रदेश भर के व्यापारियों को इकट्ठा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश चुनाव से पहले कर रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज कानपुर में भाजपा का ये सम्मेलन होना है। अब देखिए, यूपी की सियासी जंग में जिन्ना के बाद बाबर की भी एंट्री हो गई है। जी हां, जिन्ना को लेकर जहां भाजपा लगातार सपा को घेर रही थी, वहीं अब AIMIM की तरफ से बाबर राग भी लगातार अलापा जा रहा है।
दरअसल अलीगढ़ में ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने बाबर के पक्ष में बयान देकर सियासी घमासान शुरू कर दिया है। और जमालपुर में सभा के बीच ओवैसी की पार्टी के नेता गुफरान नूर ने लोगों से बाबर राज के नारे लगवाए और साथ ही साथ ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। गुफरान नूर ने लोगों से अपील की नारे लगवाने के लिए, खुद तो लगवाए और साथ में लोगों से भी कहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और न दीपा सिर्फ सभा में ही बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने बाबर राज की पैरवी की, वो पैरवी करते हुए वहां पर भी नजर आए। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। हम लोग अगर एक हुए दलित और मुस्लिम इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग राज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी हद तक हो। तो चुनावी समर में तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। गोंडा से भी नेताजी के भावुक होने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां अखिलेश के सामने सपा नेता भावुक होते हुए दिखाई दिए कुंजल। दरअसल गोंडा में अखिलेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। उनके सामने मंच पर पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह मंच पर ही फफक कर रोते हुए नजर आए। सपा नेता सूरज सिंह मंच पर भावुक होते हुए किस्सा बताते नजर आए, तो अखिलेश के लिए नारेबाजी भी वहां पर की। बता दें ये भी आपको कि इस दौरान मंच पर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव समेत कई नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद थे। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्र ये बता रहे, सूत्रों से खबर यह है कि बहुत जल्द कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं इमरान मसूद। ये बड़ी जानकारी है यूपी के चुनाव से पहले। बिल्कुल, खबर है कि इमरान मसूद पार्टी के अंदरूनी कलह से परेशान है। 10 जनवरी को उन्होंने समर्थकों के साथ एक बैठक को भी बुलाया है, जिसके बाद वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बड़ा झटका लग सकता है। और आपको ये भी हम बता दें कि इमरान मसूद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता के रूप में पहचान ये रखते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब जिस तरीके से चुनाव से पहले वो सोच रहे हैं कांग्रेस को झटका देने के बारे में, तो इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, इस पर भी लगातार नजर हो। तो देखिए इमरान मसूद कौन है ये भी आपको बता देते हैं। सहारनपुर के गंगोह में इनका जन्म हुआ। 2007 में बेहट से निर्दलीय विधायक बने इमरान मसूद। 2014-2019 लोकसभा चुनाव में इनकी हार हुई। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जनता दल, लोक दल, सपा में भी ये रह चुके हैं, अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो इमरान मसूद के बारे में आपने जाना, लेकिन बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को यहां पर लग सकता है। और चलिए दीपा, वक्त हो गया है बताने का कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। तो मैं ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ आज क्या बड़ी खबरें रहेंगी। बिल्कुल, चुनावी शोर के बीच में, चुनाव के खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है, जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी होती है, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूटे ना। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं आपको बता दूं आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। यूपी चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। 10 जनवरी से 150 कंपनी अर्धसैनिक बल यूपी को मुहैया कराए जाएंगे, जिससे 50 कंपनियां सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ और 30 कंपनी एसएसबी, 20 कंपनी सीआईएसएफ इसमें शामिल है। चुनाव के लिहाज से इनकी तैनाती पूरे प्रदेश में कर दी गई है। वहीं लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड की जांच भी अब एसटीएफ करेगी। दूसरी बड़ी खबर है, गृह विभाग की हाई लेवल की बैठक में ये फैसला हुआ है। जौनपुर में क्रिकेट खेलता दिखा था धनंजय सिंह, माफिया धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो कानपुर से खबर है, जहां मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मियों को इसमें दोषी पाया गया है। सभी पर हत्या, मारपीट, साक्ष्य छुपाने का आरोप लग रहा है। 27 सितंबर को गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी। तो दीपा, ये 3 बड़ी खबरें आज दिन भर जिन पर हमारी नजर रहने वाली है।
बिल्कुल गुंजन, आपने दर्शकों को बताया बड़ी खबरों के बारे में जिन पर लगातार हमारी नजर दिन भर रहेगी। अपडेट दिया जाएगा क्या कुछ इस पर होता है, लगातार नजर होगी क्योंकि चुनाव की खबरों पर तो अपडेट हम करते हैं दिन भर, लेकिन चुनाव से इतर और भी जो जरूरी खबरें हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं दर्शकों तक पहुंचती, और इन तीनों ही खबरों पर लगातार नजर बना करके रखेंगे दिन भर, जो भी अपडेट होगा वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देख लेते हैं धुआंधार बारिश। सीएम योगी ने ललितपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,16,00,000 की योजनाओं का शिलान्यास किया। चुआन आश्रम, ककराबन और झूमरनाथ धाम का उद्धार होगा, पर्यटन के नक्शे पर उभरेगा ललितपुर का नाम। नितिन गडकरी ने ब्रज क्षेत्र को 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। 336 किलोमीटर लंबे 10 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का काम वर्चुअली शुरू करने के लिए उसका शुभारंभ किया। मथुरा सांसद हेमा मालिनी समेत भाजपा के कई नेता और विधायक रहे मौजूद। वहीं अमेठी में सपा नेता के प्रचार गाड़ी में सीएम योगी का गाना बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सपा नेता ने दबंगों पर जबरन गाना बजाने का आरोप लगाया, मामले की जांच में पुलिस जुटी। गोंडा में पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह की मूर्ति के अनावरण के दौरान मंच पर रोते नजर आए पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह। कहा, पंडित सिंह के इलाज में अखिलेश यादव ने बहुत मदद की और मेरा परिवार हमेशा उनकी पार्टी से तन मन धन से जुड़ा रहेगा। वहीं पीलीभीत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भाजपा नेता ने उड़ाई कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। बीजेपी जिला महामंत्री ने बाइक रैली निकालकर रोड शो किया, बिना मास्क बिना सामाजिक दूरी के सड़कों पर दिखी सैकड़ों बाइकें। सूत्रों की मानिए तो कांग्रेस को जल्द अलविदा कह सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद 10 जनवरी को अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, पार्टी की अंदरूनी कलह से बेहद परेशान है इमरान। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास सेगमेंट क्या चल रहा है का। ऐसे में कानपुर में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी पहुंचे चाय की दुकान पर। रतीश ने वहां चाय की चुस्की के साथ लोगों की राय ली, तो आइए देखते हैं कानपुर में क्या चल रहा है। मौसम सर्द है लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रही सियासत ने माहौल को गर्म कर दिया है। राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, वार पलटवार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी को आड़े हाथों लेती है तो भारतीय जनता पार्टी तमाम अन्य दलों को भी आड़े हाथों ले रही है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, तमाम नेताओं के दौरे चल रहे हैं। और इस बीच चुनावी चर्चा में आज हम कानपुर में बनारसी टी स्टॉल में हैं और जानेंगे कि यहां पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ किस तरह से बातचीत कर रहे हैं और चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं। भैया क्या हो रहा है चुनाव को लेकर के, क्या दिमाग में चल रहा है? दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, सरकार बेरोजगारी देख नहीं रही है, खाली अपनी जेबें भरने में लगी हैं ये लोग, और बाकी सरकारी संस्थाओं में तनख्वाहें तो कम है, 6100 रुपये वेतन दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया थोड़ा इधर आइएगा आप, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? विनीत जायसवाल। विनीत जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को लेकर के तमाम बातें की जा रही है, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर जाकर के आप वोट करेंगे? अभी तो हम सरकार से काफ़ी संतुष्ट हैं इस काम के, इस सरकार से, और बाकी हमारा तो पक्ष अभी भाजपा के लिए ही जा रहा है। और लोग हैं बात कर लेते हैं, बताइए भैया क्या, कौन सा नेता ठीक है? योगी आदित्यनाथ। काम अच्छा किया है? काम बहुत अच्छा किया है। अखिलेश यादव क्यों नहीं अच्छा? इतना अच्छा कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। देखिए ये कटाक्ष है, हम लोग इसी तरीके के कटाक्ष भी करते रहते हैं। चाय पी रहे हो, बता दो भैया कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है, क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे? मेरे मुद्दे तो पूरे हो भी नहीं पाएंगे, हम लोग अपनी छोड़ी और किसी की पूरी नहीं कर सकते, सब तो परेशान है इस टाइम पे। जो काम किया था अखिलेश ने वो तो शायद हमारे हिसाब से हमें तो आज तक देखने को नहीं मिला जो उन्होंने किया था। बताइए चाय की चुस्कियों के साथ बताइए हमको कि कौन सा नेता अच्छा है और कौन इस बार आप लोग किसको जिताने? अरे अब इस बार तो जो है मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे लोगों के साथ रहते हैं, चाय जो बना रहे हैं उनके पास भी चलते हैं कि वो क्या खोज रहे हैं। भैया क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? चाय तो बहुत बिक रही है और सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या रहेंगे, विकास वगैरह हुआ है क्या? बस विकास है, विकास हो रहा है, विकास होगा। आप बताएंगे किसको चुनाव चुन करके भेजेंगे? योगी जी को। क्या कारण रहने जा रहे हैं? यानी वो रोजगार भी बढ़ाना है, बहुत अच्छी सुविधाएं भी दे रहे हैं हम लोग को। आप बताइए
योगी जी। कारण क्या रहेगा? अरे कारण क्या, उनसे अच्छा कोई है क्या? कौन सा आदमी अच्छा है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या चल रहा है तमाम वादे दावों के पीछे? इस बार बाबा जी फिर आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। नहीं, वो उनको कहने दीजिए, आएंगे बाबा जी आएंगे, उनका कानून सही चल रहा है। योगी जी पे भरोसा है और इस समय सुरक्षा और शासन दोनों अच्छे चला रहे योगी जी, इसलिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं अच्छे हैं? अब ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा दावा वो है उनकी राजनीति और शासन जो चला रहे हैं, वो माफियाओं को उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, शिक्षा के आगे बढ़ते जा रहे हैं, राशन जो मिल रहा है ये हमसे योगी जी, जो हमको उम्मीद थी वो चीज़ें योगी जी को देखिए। तो कानपुर में क्या चल रहा है ये हमने आपको दिखाया, तमाम युवा ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि रोजगार का वादा किया था, रोजगार दिया नहीं, अब देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है। महिलाओं के मुद्दे को लेकर, अलग अलग मसलों को लेकर लोग गुस्से में भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। गुंजन।